अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समझ नहीं आती कहाँ से स्टार्ट की जाए ये बात। बुरा तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वासियों को लगेगा कि हम उनकी तमाम तर फेवरेट एक्ट्रेसेस के खिलाफ, स्पेशली हानिया आमिर के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन दिमाग की रगें भी खोलिए, कान भी ज़रा खोल कर सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हक बात आप एक्सेप्ट करें, चाहे कोई आपका पसंदीदा हो या नापसंदीदा। रत्ती भर ईमान भी हमें बुराई और अच्छाई में फ़र्क बता सकता है। प्लीज़ आखिर तक लाजमी देखिएगा, लाइक लाजमी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। हानिया आमिर साहिबा पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मकबूल हैं, हम इनके खिलाफ नहीं हैं, इनके अंदाज के खिलाफ ज़रूर हो सकते हैं, इनके हुलिये के खिलाफ, इनके काले करतूतों के खिलाफ ज़रूर हो सकते हैं, मेरा जिस मेरी मर्ज़ी करने वालियों के एजेंडे को प्रमोट करने के खिलाफ ज़रूर हो सकते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वासियों, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बापर्दा बहनों बेटियों को गलत राह पर चलाने के खिलाफ ज़रूर हो सकते हैं। इस डांस बेहूदगी, गलत किस्म की ड्रेसिंग, काले करतूतों के प्रचार के ज़रिए से लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और फिर उनका भी इन्हीं जैसा हुलिया अपनाना और जानबूझकर जहालत और सलालत को सर थोपना, हम इसके खिलाफ ज़रूर हैं और बात हम करते रहेंगे। जो अंदाज हुलिया ड्रेसिंग इनका है, कुछ अरसा कबल आप सोच भी नहीं सकते थे, सर से दुपट्टा उतरी हुई खातून को बेगैरत और मर्द को जो उसका भाई बाप जो भी होता था उसे बेहया और बेगैरत ही समझा जाता था कि वो गैरत और हया से खाली है, मगर आज इस सब चीज़ को ट्रेंड समझा जाता है, इस सब चीज़ को मॉडर्नपन कहा जाता है। पता नहीं कहाँ से वो अल्फाज लाए जाएँ जिससे हम आपको समझा पाएँ कि बचाना है तो ख़ुद को बचाना है, अपनी सोसाइटी को बचाना है, अपनी बहनों बेटियों अपनी इज्जतों को बचाना है, वरना कल असमतें लुटेंगी रोडों पर, मेरा जस मेरी मर्ज़ी करने वालियों की आवाज़ें हमारे घरों से उठेंगी, औलादें अपनी माँ बाप की नाफरमान, अपने भाइयों अपनी फैमिली की नाफरमान, सबसे बढ़कर अपने रब की नाफरमान होंगी। अगर हमने अपनी हदूद में रहना ना सीखा, हमने इन सोशल मीडिया ऐप्स, इस इंटरनेट, स्पेशली टीवी ड्रामास से इन ख्वातीन को, अपनी बहनों बेटियों को बचाने की कोशिश ना की, जो कि टीवी ड्रामास में नाजायज़ ताल्लुकात समेत, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर और नाजायज़ बच्चों समेत हर चीज़ को बगौर देख रही हैं और ये सब बुराइयां उनके लिए नॉर्मल होती जा रही हैं। पता नहीं कैसे समझाया जाए, कौन से अल्फाज लाए जाएँ, कहाँ से लाए जाएँ। खैर, एक्सेप्ट करते हैं हमारी बातें तो प्लीज़ आगे भी लाजमी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो और सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन।